आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बैरिकेड्स को लंघने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ईडी कार्यालय का कांग्रेस जो है वो घेराव कर रहे हैं और काफी गुस्से में है। उनका कहना है कि जो ईडी है वो सेंट्रल एजेंसी कम हो गई है, बल्कि एजेंट बन चुकी है सेंट्रल एजेंसी केंद्र सरकार की। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कार्यालय को घेरने की कोशिश जारी है और पुलिस अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पुलिस बल तैनात है। आपको बताते चले कि ये जो ये है पुराना विधानसभा का जो ग्राउंड है, पुराना विधानसभा का जो ग्राउंड है वहां से ये चल कर आया है। ये पूरा का पूरा काफिला, कांग्रेस का काफिला पुराना विधानसभा से चल कर पैदल मार्च करके वो यहाँ तक आया। आप देख सकते हैं हुजूम पूरा उमड़ चुका है और राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ईडी कार्यालय का घेराव कर रहे और अपने गुस्से का आप देख सकते हैं बैरिकेड्स के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश की जा रही है। और आप वहां देख सकते हैं ईडी के कार्यकर्ता, माफ करिएगा, ईडी के जो, मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन को, ईडी के पदाधिकारी भी बाहर निकल के देख रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं ईडी के पदाधिकारी वहाँ पे बाहर निकल के देखने की कोशिश करे, वो भी शौक होंगे कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ तो ये हो क्या रहा है। राजेश ठाकुर जो है अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो भी पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगी बीजेपी पदाधिकारी को भी हमारे विजुअल के माध्यम से दिखाया जाए। वो आप देख सकते हो ऊपर से खड़े होकर वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के एक्शन से ईडी के काम में थोड़ा तो बाधा बनती है, लेकिन कांग्रेस से भी दलाल है। आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद है और खास तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगातार लग रहे हैं। आप देख रहे हैं बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ चुके हैं कुछ लोग कांग्रेस का झंडा लेकर, यानी ईडी का पूरा घेराव करने के मूड में है कांग्रेस। बताते चले कि ये सबसे ज्यादा तीव्र एक्शन देखने को मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से तब से जब से पंकज मिश्रा, सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जो गिरफ्तार किया गया। आपको हमने आपको विजुअल के माध्यम से भी दिखाते हैं कि पंकज मिश्रा भी ईडी कार्यालय के अंदर गए, उनको 6 दिन के रिमांड पे लिया गया है और 6 दिन के रिमांड को लेकर कांग्रेस बहुत गुस्सा है। वो कहना चाह रहे की स्पेशली ईडी जो है वो झारखंड में इतनी सक्रियता क्यों दिखा रही, क्या ईडी किसी और राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश। ये देखिए डॉक्टर तौसीफ से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर तौसीफ क्या कहेंगे ईडी? देखिए चरणबद्ध तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व को बुलाकर और ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, किसी तरह का एक भी सबूत नहीं है। उसके बाद भी सत्ता में मदमस्त होकर के सत्ता के मगरूर लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व को बार बार ये तंग कर रहे हैं, तो ये जान ले अमित शाह, ये जान ले नरेंद्र मोदी, ये जान ले भारतीय जनता पार्टी कि जब जब तुम हमारे नेतृत्व को बुलाओगे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके तुम्हारा विरोध करेगा। और तुम जो ये कारनामा कर रहे हो महंगाई से, महंगाई को छुपाने के लिए, बेरोजगारी को छुपाने के लिए, तुम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, तुम्हारी नाकामियों को हमेशा उजागर किया है और कांग्रेस पार्टी उजागर करती रहेगी। ईडी क्या वो गवर्नमेंट विपक्षी कहते हैं ईडी अपना निष्पक्ष रूप से काम करी, उसको काम करने दिया जाए, इसे काम करने में परेशानी होगी? नहीं देखो, ईडी और सीबीआई ये और आईटी जो भी है, जो नरेंद्र मोदी की जो ये लोग उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो गई है जैसे भारतीय जनता पार्टी का और भी विंग है उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम लोगों को निष्पक्ष का तो उम्मीद ही नहीं है। ये निष्पक्ष ये करेंगे, ये तंग करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कमजोर करने के लिए, हमारे मनोबल को कमजोर करने के लिए इस तरह की ये लोग साजिश कर करके हमारे नेतृत्व को बुला रहे हैं, जो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतर करके इसका पूरे देश में विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी आप राजेश ठाकुर को भी सुन सकते हैं कि वो अपने कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे हैं और साथ में बादल पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख और फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव भी यहाँ पे मौजूद है। आप साफ तौर पर राजेश ठाकुर को संबोधित करते हुए सुन सकते हैं। महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़कर
बढ़ चढ़ कर इस सीढ़ी को घेराव में आप देख सकते हैं, महिला बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर वो जो है इस घेराव में शामिल है। और कहा जा रहा और भी कुछ बड़े मंत्री और बड़े नेता कांग्रेस के वो इस घेराव में शामिल होने के लिए कुछ ही देर में यहाँ पे प्रस्थान करेंगे। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स के ऊपर भी चढ़ के उसे फाड़ने की कोशिश की जा रही है। अरे आप देख सकते हैं बैरिकेड्स के ऊपर ही कुछ लोग तो बैठ चुके हैं, जैसे इनको देखिए ये लोग बैरिकेड्स के ऊपर ही बैठे हुए और वहीं से नहीं मैम उतर जाइए आप। हाँ मैम ये मोदी जब जब इसको अपना सत्ता दे सत्ता का ये लालची इंसान है और ये सत्ता के लालच में ये जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उसका ये गलत दुरुपयोग कर रहा है। आज हमारे माननीय सोनिया गांधी जी को इसी को बेवजह परेशान कर रही है, जबकि उसको पता है पूरे देश को पता है कि सोनिया गांधी की स्थिति खराब है, बीमार है, इसके बावजूद वो ये परेशान कर रही है, ईडी को का दुरुपयोग कर रही है, इसके खिलाफ में पूरे कांग्रेस पार्टी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। और जब तक मोदी अपना अवकाश में नहीं आएगा तब तक हम लोग अपना ये धरना प्रदर्शन इस तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना नाम जरा बताइए। मैं प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हूँ भाभी भगत। एक बात बताइए लेकिन ईडी तो अपना काम कर रही है ना दीदी? ईडी काम करना है तो अपना काम सही तरीके से करे, उसको पता है प्रदेश को पता है पूरी दुनिया को पता है कि सोनिया गांधी बीमार चल रही है, इसके बावजूद इस परिस्थिति में उसे इस तरह से शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है। ईडी को इस्तेमाल कर रही है सेंट्रल, ये पूछताछ नहीं ये प्रताड़ना है, ये मोदी का प्रताड़ना है, सोनिया गांधी जी को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आपने साफ तौर पर कहते हुए सुना कि एक्चुअली मोदी जी जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं इनडायरेक्टली ईडी को इस्तेमाल करके। इसको लेकर देख सकते हैं कांग्रेस की महिलाओं में कितना आक्रोश है, बैरिकेड्स के ऊपर बैठ के वो अपना प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करी। मैं साफ तौर पर यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ आप अपने विजुअल के माध्यम से, कांग्रेस झंडा तो लहरा रहे हैं, पुलिस बल यहाँ पे अपना काम कर रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।